हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं शशिकांत राय, और आज का जो वीडियो है बिहार एस्टेट का जो रिजल्ट आया है उसके संदर्भ में है। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद था, जिससे जो है कुछ लोगों को जो असुविधा हुई है, बिहार एसटीटी के जो कैंडिडेट हैं उनको कुछ एक असुविधा हुई है, उसको लेकर के ये वीडियो है। उनकी जो समस्या है उसका जो है निदान कर दिया जाए सरकार के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पर जो एक कमेंट आया था मेरे पास, और उस कमेंट में ये कहा गया है कि बिहार एस्टेट की तरफ से जो आंसर की जो जारी किया गया था उसको जब उन्होंने मिलाया था तो उनके जो मार्क्स थे वो 96 बन रहे थे। जी हाँ, उनका जो है 96 मार्क्स बन रहा था, और जब उनका जो है रिजल्ट जब जारी हुआ है तो रिजल्ट के बाद उनके पास जो है 66 पॉइंट कुछ जो है मार्क्स उनका जो है बन रहा है। तो इसको लेकर के वो काफी कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो है बिहार एस्टेट का जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुआ था उसके हिसाब से उनके जो है 96 मार्क्स बन रहे थे, और अभी जब रिजल्ट आ गया है, डिक्लेयर हो गया है, और उसके बाद जब उन्होंने जो है रिजल्ट डाउनलोड किया है तो उनका जो है जो मार्क्स है वो 66 बन रहा है। तो काफी हद तक उनका जो है नंबर जो है कम हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि वो उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो सारी जो है बातें इसी पे केंद्रित हैं इस वीडियो में, कि क्या जो है इस प्रकार से अगर आंसर की के नंबर में जो मिलाया गया था, जो ऑफिशियल आंसर की से जो नंबर लोगों ने मिलाया था उसमें, और जो एक्चुअल जो नंबर मिले हैं, क्या उसमें जो डिफरेंस है उसको लेकर के क्या किसी प्रकार की कोई ऑनलाइन आपत्ति की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है बिहार एसटीटी के रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पे जो है ऐसे एस्टेट के जो है बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे 2019 के, जिनके रिजल्ट में और आंसर की के जो मार्किंग थी उसमें जो है काफी डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो हम जानना चाहते हैं ऐसे अभ्यर्थियों के कमेंट्स को जो है, हम जानना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो पर जो है कमेंट करिएगा जिनके आंसर की के नंबर में जो ऑफिशियल जारी हुआ था और जो एक्चुअल मार्क्स अभी जो उनको प्राप्त हुए हैं उसमें कोई अगर डिफरेंसेस है तो प्लीज आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में पूरे डिटेल्स के साथ जो है कमेंट करिए, ताकि जो है ये बात जो है सरकार तक पहुंचाई जा सके और इसका कुछ जो है रास्ता निकाला जा सके। क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं कि बिहार एस्टेट 2019 जो हुआ है ऑनलाइन आवेदन लिया गया था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, और इसकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, जो सिलेक्शन होगा वो जो है मेरिट बेस ही है, ठीक है, यानी मेरिट के आधार पर भी यहाँ पे भी चयन होना है। तो अगर जो है किसी के आंसर की के हिसाब से और जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें अगर कोई डिफरेंसेस है नंबर को लेकर के, यानी नंबर घट रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं मेरिट में स्थान नीचे आ सकता है। यहाँ पर जो है सरकार द्वारा एक बात कही जा रही है कि जितने लोग पास हुए हैं, जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं, लगभग 26,000 के आसपास जो कैंडिडेट पास हुए हैं, सभी का जो है नियोजन हो जाएगा, सभी को नियुक्ति पत्र जो है मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल जो है सही है कि उनको मिलेगा, लेकिन एक ही बार में सबका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बात जो है सही नहीं, इसमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा संदेह है, ठीक है। और मेरिट को लेकर के भी जो है यहाँ पे जो है काफी चीजें जो है देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर किसी के नंबर में सुधार हो जाता है तो इसमें बुरा क्या है। हम ये आशा करते हैं कि जिनके नंबर में डिफरेंसेस हैं ऑफिशियल आंसर की से और जो एक्चुअल नंबर है, तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि जो है इसके बारे में सरकार कुछ दिशा निर्देश जो है जारी करे, कुछ आवश्यक कदम उठाए, क्योंकि मेरिट में सुधार होना बहुत जरूरी है। अगर नंबर आपके सुधार नहीं होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो है मेरिट जो है डाउन हो सकता है, और मेरिट डाउन हो सकता है तो इसकी जो है बहाली प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगी उसके बारे में अभी कोई चीज क्लियर नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो है कुछ चीजें जो है जानकारी है, तो वो जो है हम अपने अगले वीडियो में सब जो है शेयर करेंगे सारी जानकारियां, कि बिहार एस्टेट का जो काउंसलिंग होता है वो कैसे होता है या चयन प्रक्रिया क्या होगी, मतलब एक पूरी डिटेल्स हम आपको इसमें जो है बताते रहेंगे, लगातार आएगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ठीक है, और उसके बाद ऑल पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि सबको जो है नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो में हम फिर से एक बार कह देना चाहते हैं कि जिसके ऑफिशियल आंसर की में जो नंबर आ रहे थे और जो एक्चुअल जो रिजल्ट आया है उसके जो नंबर है उसमें अगर डिफरेंसेस है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।